ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच जो भी मेरी लाइक वीडियोस देखते हैं, जिन्होंने भी मेरी एक भी वीडियो देखी होगी, सो थैंक यू। चाहे आप एक सेकंड देख के चले जाते होंगे, बट थैंक यू। और जो कमेंट करते हैं वो तो वेरी मच थैंक यू, ठीक है। तो मैं जस्ट अभी कमेंट पढ़ रही थी एंड उसमें लिखा था कि प्लीज़ क्या आप अपनी बोर्ड्स की जर्नी शेयर कर सकते हैं, एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो एक्चुअली ये आइडिया मेरे माइंड में बहुत पहले से था, जब मैंने यूट्यूब शुरू भी नहीं किया था तब से था ये आइडिया, बट फिर नीट की वजह से मैं भूल ही गई कि बोर्ड्स भी कुछ चीज़ होती है। बट थैंक यू टू दैट पर्सन जिसने मुझे याद दिलाया। तो हियर इज इट, हियर इट इज, क्या हो गया मेरी इंग्लिश। तो ठीक है, तो सबसे पहले आई गॉट 93% इन 10th बोर्ड विदाउट ट्यूशन एंड आई गॉट 87 और 88% इन 12th बोर्ड विद ट्यूशन। सो मेरी परसेंटेज कैसा है तो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो जैसे मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस एंड कंप्यूटर और कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा वाले सब्जेक्ट्स लाइक एक्सेप्ट मैथ्स एंड साइंस, इनको छोड़ के मोस्टली थोड़ा है टफ सब्जेक्ट्स। लाइक यू नीड प्रैक्टिस, यू नीड अ लॉट ऑफ रिवीजन एंड थोड़ा अपना माइंड खोल के आपको समझना पड़ता है बहुत चीज़ें साइंस में, मैथ्स में। मैथ्स तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है मैथ्स में। तो जैसे ये सब्जेक्ट्स हैं तो ये सब्जेक्ट में ना आप डेली कुछ ना डेली मतलब अपना टाइम दो, लाइक सब्जेक्ट्स तो ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, बट आप ऐसे मत सोचो कि हिंदी तो है, इंग्लिश तो है, लास्ट में कर लेंगे। हाँ, लास्ट में कभी भी मार्क्स आ सकते हैं अगर आप सब्जेक्ट में अच्छे हो, मार्क्स आ सकते हैं, पर बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेगा आपको एक परसेंटेज इंक्रीज करने के लिए, आप डेली थोड़ा टाइम दो, थोड़ा सा ही टाइम दो और ये परसेंटेज बहुत अच्छे इंक्रीज करेंगे। लाइक मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स इन 4 सब्जेक्ट्स में थे, जिस वजह से मेरा परसेंटेज 90 अबव आया एंड लाइक मेरी 95 थी सोशल साइंस में, इंग्लिश में, कंप्यूटर में, और 100 में से 100 थी हिंदी में एंड 88 थी साइंस में एंड मैथ्स में आई थिंक 78 to 79 थी। मैथ्स में सबसे कम आई जबकि मैंने सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस मैथ्स में करी थी। लाइक मैंने मैथ्स इतने बार कर दी थी कि एट द एंड तक लाइक 2 या 3 टाइम्स पूरी एनसीईआरटी के क्वेश्चन इतने बार सॉल्व कर चुकी थी मैं मैथ्स में। बट आप फिर भी कह रहे होंगे तो सबसे कम मार्क्स में आए उसमें, क्योंकि क्योंकि एक्चुअली बहुत कॉमन लाइक बहुत नॉर्मल सी चीज़ हुई, बट मतलब आई डोंट नो इतना बड़ा फैक्टर क्यों बन गई वो चीज़। तो एक्चुअली उस दिन मेरी ना मेरे को फर्स्ट सीट मिली क्लास में, जबकि मेरा नाम जैसे एस से आता है तो मोस्टली नहीं मिलती है, बिल्कुल लास्ट लास्ट सीट मिलती है। थोड़ा प्रेशर वैसे ही कम हो जाता है, पता नहीं क्यों, फ्रंट बेंच पर बैठ के एक अलग ही प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तो क्योंकि अलग ही प्रेशर क्रिएट हो गया था। और हर चीज़ ना आपसे शुरू होती है, जैसे बहुत फाइल्स आती हैं उनमें नाम लिखना होता है, पेपर कोड लिखना होता है, कॉपी वाला कोड लिखना होता है, पता नहीं क्या क्या होता है, बहुत चीज़ होती है, साइन करना होता है, बहुत चीज़ें लाते हैं टीचर, थोड़ा वो भी डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि आपको स्टार्टिंग में आपसे ही वो चीज़ें स्टार्ट हो जाती है, तो थोड़ा उस वजह से भी। और एक क्वेश्चन तो मुझे आते नहीं था 4 मार्क्स का, लास्ट में जो 4 मार्क्स वाले होते हैं, और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन मुझे आता था जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जो क्वेश्चन पेपर पढ़ रही थी कि वही तो मुझे आता है, तो मैंने करा ही नहीं, और वो मुझे लास्ट में आई मेरे माइंड में, अरे मैंने वो क्वेश्चन तो करा ही नहीं। फिर मैंने जब तक वो चेक करा तब तक सिर्फ 2 मिनट बचे थे, तब तक टीचर्स बोलना शुरू हो चुके थे ओनली 2 मिनट्स रिमेनिंग, और थोड़ा उस प्रेशर से मेरे माइंड में कुछ आया नहीं। फिर मैंने 2-3 लाइन लिख दी थी बट फिर क्वेश्चन सॉल्व तो कर ही नहीं पाया, थोड़ा खाली दिमाग चाहिए मैं होता है ना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बट नहीं हो पाया। एंड ये वीडियो ना थोड़ा समरी वाली वीडियो बना ली, समरी टाइप, मतलब पूरे ओवरऑल एक्सपीरियंस के, दोनों क्लासेस के और ये सब के। अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में जानना है तो आप बोल सकते हो, मैं बना दूंगी, लाइक एनी सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, बायो, केमिस्ट्री, ठीक है, मैं बना दूंगी। एंड और हम एक और चीज़ बताना भूल गई, मैं लास्ट में बता रही हूँ, बीच में ऐड कर दूँगी कि एक मेरा एक्सपीरियंस ये भी था कि एक बार मैं स्कूल में थी और मैथ्स की मैम आई थी, तो उन्होंने मेरे को एक क्वेश्चन दिया था कि बोर्ड में जाके कर, और मुझे वो नहीं आया, तो मैम ने को कहा कि उस एक्सरसाइज से जो भी क्वेश्चन आता है वो कर ले। मैम ने पूरी लीनियंस दे दी, जो भी क्वेश्चन आता है वो कर ले, ठीक है, कि मैम वाज़ नॉट, आई एम अ गुड स्टूडेंट, बट मुझे नहीं आया, तो मेरे उस दिन बहुत भयंकर ईगो हर्ट हो चुका था। तो इसलिए मैंने मैथ्स करने की ठानी कि मुझे मैथ्स डेली करनी है। तो अगर आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस होता है तो उसे सीखो और उसे पॉजिटिव वे में लो, देखिए एक्सपीरियंस। और एक ये भी था कि जैसे मेरे सारे दोस्त ट्यूशन जाते थे और मोस्टली लोग मैथ्स पे जाते हैं, तो फिर एक ऐसा सा प्रेशर भी था कि यार तेरे सारे दोस्त ट्यूशन जा रहे हैं, मतलब मेरे को खुद से था कि मेरे सारे दोस्त ट्यूशन जा रहे हैं इस टाइम पे, तो इस टाइम में 1 घंटा के वो जब ट्यूशन में कर रहा है तो वो सिर्फ 1 घंटा ही, सिर्फ 1 घंटा अगर मैं दसवीं को मैथ्स कर लूँ तो इट वुड बी अ गुड थिंग। तो इसलिए
एक घंटा मैथ्स करती, सिर्फ एक घंटा करती थी, बट वो काफ़ी अच्छे से मेरे को लाइक रिजल्ट मिला उस एक घंटे का सिर्फ। तो एक तो ना शुरू से थोड़ा प्रेशर आ था घर वालों का भी और स्कूल से ज़्यादा, लाइक स्कूल में तो हर कोई बोलता है कि आपका फर्स्ट बोर्ड, आपका फर्स्ट बोर्ड है, इसमें फर्स्ट बोर्ड अच्छे से पढ़ना है, ये है वो है, और सोसाइटी में बहुत प्रेशर रहता है, हर कोई बोल रहा था तुम्हारे फर्स्ट बोर्ड है कैसे चल रही है पढ़ाई, तो थोड़ा उस प्रेशर में पढ़ाई हो जाती थी। जबकि मैं लाइक बहुत देर तक नहीं पढ़ती थी, लाइक 12 बजे तक पढ़ के मैं सो ही जाती थी, मतलब 12 भी नहीं, लाइक कभी कभी तो 11 बजे तक, ठीक है। तो ये सब था, और जबकि पता हमारा लाइक एग्जाम्स बहुत जल्दी स्टार्ट हो गए थे, 26 फरवरी को हमारा फर्स्ट बोर्ड था एंड 25 फरवरी को मैं शादी में भी जा रही थी। लाइक फर्स्ट पेपर इंग्लिश का था, तो मतलब अब ऐसा होता ना इंग्लिश हिंदी में तो एक स्टोरी आपने पढ़ी तो बोर हो जाते हो, आप सेम स्टोरी बार बार पढ़ लिया, मैंने क्वेश्चन भी कर लिया था, तो मैंने कहा जो पेपर में देखा जाएगा ना, मतलब तुम लिख पा रहे हो नहीं लिख पा रहे हो, बट मैंने तो स्टोरी पढ़ लिया, मैं सेम स्टोरी कितने बार पढ़ूँ, है ना, अब वो मेरे पर डिपेंड करता है कि मैं एग्जाम हॉल में मेरा आउटपुट कैसा आता है। बट तो उसमें सब शादी में कह रहे थे उठ रहा तो कल बोर्ड है, तेरा तो कल बोर्ड है, तो मेरे को ज़्यादा प्रेशर फील हुआ, बट इट्स ओके, होता ही सब होता है, ठीक है। तो और एक बात ये है कि मेरे ना लाइक फर्स्ट यूनिट टेस्ट से जो मंथली टेस्ट होते हैं उनसे ही लाइक अच्छी परसेंट आने लगी थी, लाइक 90, 85, 80, 90 से ऊपर तो नहीं गई बट 90 तक आई थी। तो ये भी था, पर मेरी प्री बोर्ड में कम आई थी, प्री बोर्ड में 75 थी, प्री बोर्ड वो जानबूझ के टफ बनाते हैं स्कूल वाले, ये तो आप ज़्यादा मतलब स्ट्रेस मत लेना आपके प्री बोर्ड में कम आ रहे हैं, वो जानबूझ के टफ बनाते हैं ताकि आपको ऐसा लगे मैंने तो कुछ भी पढ़ा ही नहीं है, पढ़ो पढ़ो, तब ऐसे ऐसा होता है, ठीक है। तो मेरा ओवरऑल 10th का एक्सपीरियंस था, और मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट थी हिंदी के एग्जाम के दिन, क्योंकि ऐसे बोलते हैं कि जिस दिन लाइक आपने ज़्यादा पढ़ा होता है उस दिन आपको ज़्यादा स्ट्रेस होता है, इतना ज़्यादा प्रेशर फील होता है, क्योंकि देखो किसी बच्चे ने अगर उसने पढ़ा ही नहीं हुआ ना वो बहुत चिल होगा, उस दिन किसी लाइक कोई पेपर है, ठीक है, उस दिन आपने ज़्यादा पढ़ा नहीं है तो आप बहुत चिल रहोगे कि कोई बात नहीं नहीं पढ़ा है, ठीक है। और पर मेरे को उस दिन बहुत ज़्यादा प्रेशर था, उससे ज़्यादा मार्क्स उसी में आई, तो मैं समझ गई थी क्यों था मेरे को उस दिन प्रेशर, उस दिन समझ नहीं आ रहा था। और मैथ्स एग्जाम के दिन मैं रोई थी, सबसे गंदा मैथ्स का पेपर ही गया था, मैं आज तक किसी भी एग्जाम के दिन नहीं रोई हूँ, लाइक उससे पहले भी कभी नहीं रोई थी, उससे बाद भी कभी नहीं रोई हूँ, बट उस दिन मैं रोई थी कि मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत करी थी मैथ्स की, मैंने डेली में मैथ्स की वो करती थी विदाउट ट्यूशन था, तो मुझे प्रूफ करना था अपने आप को कि मैं कर सकती हूँ बेटर, बट स्टिल 78 मार्क्स फॉर गुड जो भी, ठीक है। एंड बस यही सब था मेरी 10th की जर्नी, एंड दैट्स हाउ आई गॉट 93%, वेरी सिंपल स्ट्रेटेजी। और मैं बता दूँ बोर्ड्स आर वे 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 ईजियर देन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, लाइक बहुत ईजी हैं, तो ज़्यादा आप स्ट्रेस मत लो, ऐसा हमारे टाइम पे टीचर्स भी कहते थे, बट हमको लगता था कि आप लोगों को तो बहुत बड़े हो तो आपको ईजी लग रहा है, बट मैंने लाइक जैसे 10th का बोर्ड दिया ना उसके बाद ही मुझे लग गया था बोर्ड्स आर सो ईजी, ठीक है। और अब तो ज़्यादा ही लगता है क्योंकि अब तो हमने नीट का भी देख दिया है, तो नीट यहाँ है और बोर्ड्स यहाँ है, लाइक सो डिफरेंस, ठीक है। तो प्रिपेयर हो जाओ, अभी तो आपको बहुत ज़्यादा हाई लेवल का पढ़ना है। एंड अब फिर हमारा ना 11th में पूरा लॉकडाउन रहा, हम 19-20 वाले बेस्ट थे 10th के बोर्ड वाले, उस बाद पूरा लॉकडाउन रहा, बहुत दुख हुआ कि अभी तुम बोर्ड्स दे के आए हैं, अब वो फिर से मतलब ऐसे स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं, चिल भी नहीं कर पा रहे हैं, ना ट्रिप जा पाया 11th में, पर 12th में गया, पर हम गए लेकिन प्रेशर में गए कि बोर्ड्स अब अगले महीने, फिर 12th से स्टार्ट हो, तो 12th के स्टार्टिंग में हम 20 डेज गए, फिर 12th के स्टार्टिंग में 20 डेज गए एंड फिर लॉकडाउन लग गया था सेकेंड वाला, कोरोना वाला, बट मैंने इस बार घर में पढ़ा क्योंकि मुझे ऐसा था कि बोर्ड्स तो होने ही नहीं, हाँ ठीक है, तो मैंने पढ़ा। एंड फिर उसके बाद जैसे स्कूल खुले तो तब पता चला हमारे बोर्ड्स दो उसमें होने वाले, दो पार्ट्स में होने वाले, टर्म वन एंड टर्म टू, टर्म वन पूरा ऑब्जेक्टिव फॉर्म, टर्म टू पूरा रिटर्न फॉर्म, ठीक है, मतलब पूरे क्वेश्चन आंसर्स, नो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन, पर टर्म वन में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो पूरा पैटर्न चेंज, कुछ सिलेबस कटा, लाइक स्टार्टिंग ए चैप्टर, इतना दुख आता रहा, इतना दुख, फिर थोड़ा मतलब ऐसा ये डिस्ट्रैक्शन हो गया था, लाइक मतलब कभी पैटर्न चेंज हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो एकदम वो बन नहीं पा रहा था मतलब सही से टाइम टेबल रूटीन। तो लाइक दिसंबर में हमारे टर्म वन होने थे, तो मैंने फिर अक्टूबर से आई थिंक थोड़ा सही से पढ़ना शुरू करा, हाँ अक्टूबर से थोड़ा सही से पढ़ना शुरू करा था, और मतलब फिर हो ही गया था, पर उतना अच्छा रिजल्ट आया नहीं टर्म वन का, लाइक सबके ही नहीं आए, किसी के भी नहीं आए, मतलब वेरी रेयर था कि किसी बच्चे के 90 से ऊपर आए होंगे, सबके लाइक 75, मेरे भी 75 थे, और लाइक 80s वाले बच्चे 65-60 में जा रहे थे, बहुत बेकार आए उसका मेरे रिजल्ट सब का, ठीक है, क्योंकि टर्म वन उन्होंने टफ बनाए थे, लाइक सारे ऑप्शन सेम लगते थे, इतना कन्फ्यूजिंग बनाया था और टफ था, सच में टफ लेवल था। फिर उसके बाद
टर्म टू के लिए थोड़ा पढ़ना शुरू किया, क्योंकि ऐसा हो गया था कि यार टर्म वन तो बहुत बेकार है, अब टर्म टू में इम्प्रूव करना है, तो थोड़ा पढ़ा ठीक है। फिर उस पर हमारे जनवरी स्टार्टिंग में हमारा टूर गया, फिर टूर के बाद दोबारा पढ़ना स्टार्ट करना था, पर तब तक फिर से लॉकडाउन लग गया, पूरा जनवरी महीना लॉकडाउन रहा था, किसी को याद होगा उसमें उस टाइम तो फिर से लॉकडाउन हो चुका था, बट फिर कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, तो फिर लॉकडाउन ओपन हो गया था फिर फरवरी में। फिर प्रैक्टिकल्स हुए, प्रैक्टिकल तो बहुत थोड़ा ख़राब ही जाता है शेड्यूल ठीक है, फिर उसके बाद मतलब फाइल्स बनानी होती है, पता नहीं क्या क्या करना होता है। फिर उसके बाद तो मैंने मई में फिर एग्ज़ाम होने थे, तो हाफ मार्च से शुरू करा फिर पढ़ना, पर ये बात थी कि टर्म टू पेपर वगैरह थोड़ा ईजी बनाया, थैंक गॉड टू CBSE तुमने दया कर दी कि टर्म वन थोड़ा टफ बन गया, तो टर्म टू थोड़ा ठीक बनाया, लाइक नॉट ईजी नॉट सो टफ, मतलब अगर पढ़ा है तो तुम ईजिली कर सकते हो क्वेश्चन, लाइक कॉमन क्वेश्चन थे, एकदम टफ क्वेश्चन थे, तो उस वजह से मेरा रिजल्ट सही बन गया, लाइक 87 और 88 ऐसा कुछ था, इतना बन गया था। तो ये थी स्टोरी, बस यही थी स्टोरी, मुझे कुछ बताना था, मुझे बीच में कुछ याद आया था। हाँ, आप कह रहे होंगे कि 10th में ट्यूशन में क्यों नहीं गई, ठीक है, तो 10th में ट्यूशन मैंने जाना प्रेफर नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है मुझे क्या चाहिए, लाइक मतलब मुझे सेल्फ स्टडी ज़्यादा लगती है ठीक है, मतलब अगर मैंने एक जैसे वो चीज़ सुन ली तो मुझे वो चीज़ बार बार सुनने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सेल्फ स्टडी चाहिए, अगर नहीं पढ़ाना मैंने सेल्फ स्टडी मैंने करी नहीं, वो चीज़ खुद से पढ़ी नहीं 3-4 बार, तो मैं चाहे वो कितने भी टीचर से सुन लूँ ना नहीं हो पाएगा, मतलब ऐसा कॉमन होता है, पर मेरे को फिर भी ज़्यादा ही चाहिए होती है सेल्फ स्टडी ठीक है। तो और पहले भी मैं कभी ट्यूशन गई नहीं थी, तो इसलिए मैंने जाना प्रीफर नहीं करा, तो आप करेंगे तो 12th में क्यों करा, 12th मैंने इसलिए करा क्योंकि आई वॉज नॉट हैविंग गुड टीचर्स इन स्कूल, बायो की आई वॉज हैविंग गुड टीचर गुड मैम वेरी नाइस मैम, तो मैं बायो की तो नहीं गई, बट फिजिक्स में लाइक हमारी जो मैम थी तो कुछ इमरजेंसी आ गई थी, तो फिर शी लेफ्ट फॉर सम टाइम, थोड़ा ऐसे फिर हो गया था लाइक डिसबैलेंस हो गया था, एंड केमिस्ट्री मैम शी गॉट अ गवर्नमेंट जॉब सो शी लेफ्ट फॉर दैट, शी वॉज ऑल्सो गुड, सो इसलिए मैं को ट्यूशन जाना पड़ा, और 11th में लॉकडाउन था तो थोड़ा उस वजह से भी वो हो गया था, कॉल आ रही थी, 11th में लॉकडाउन था तो थोड़ा बेसिक्स हिल रखे थे, इसलिए मैंने जाना प्रेफर करा ठीक है, वरना पता नहीं, आई एम नॉट अ ट्यूशन स्टूडेंट टाइप ऑफ थिंग, पता नहीं। तो ऑल द बेस्ट, बोर्ड्स आर सो ईजी, और 10th का बोर्ड पे किसी की कॉल क्यों आ रही है, 9410 पापा की कॉल, ओके वेट, पापा की कॉल आ रही थी, एक्चुअली हमारी अभी फैमिली में किसी का बेबी होने वाला है, वो यहाँ हॉस्पिटल आ चुके हैं, हॉस्पिटल मेरे घर से बहुत पास है, तो इसलिए पापा को कॉल आया था कि मम्मा को बोल वहाँ चले जाऊँ, तो मेरे लिए कोई बेबी आने वाला है फैमिली में, ओके तो मैं क्या बोल रही थी, मैं बोल रही थी कि बोर्ड्स आर सो ईजी, हाँ मैं ये बोल रही थी कि 10th में तो तुम मार्क्स देने वाले सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ के ला सकते हो, पर 12th और 11th तुम बहुत अच्छे से पढ़ो, क्योंकि 11th में कोई प्रेशर नहीं रहता है, बोर्ड्स हैं ये वो हैं, और 11th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिलेबस थोड़ा टफ भी है, सो इसलिए तुम अच्छे से पढ़ सकते हो टाइम देके, और उसको पढ़ो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के PYQs करो, साथ साथ देखते जाओ, कुछ अलग सिलेबस नहीं आता है, मुझे ऐसा लगता था कि यार 12th के बाद से शुरू करूँगी, क्योंकि कुछ तो डिफरेंट होगा, बट कुछ डिफरेंट नहीं होता है, एंड 12th में बहुत ज़्यादा फोकस, जैसे तुम नॉर्मली पढ़ रहे होंगे ना, जैसे बायो केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ्स वाले जो हैं, तो जैसे ये सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होंगे तो साथ साथ में ना तुम ये नीट वाले क्वेश्चंस भी देखते जाओ और JEE वाले क्वेश्चंस भी देखते जाओ, ताकि एकदम अचानक से तुम्हें फिर न्यू तरीके से मेहनत करना स्टार्ट ना करना पड़े ठीक है, साथ साथ में चलते रहेगा तो एग्जाम की भी तैयारी होती रहेगी, बोर्ड की तैयारी होती रहेगी, मतलब बीच में थोड़ा सा देख सकते हो, ऐसे नहीं कि तुम पूरा ही हो जाओ, अगर तुम्हें बोर्ड में अच्छे मार्क्स चाहिए तो, ये तो बहुत अच्छे से होता है कि बोर्ड के मार्क्स कौन नहीं देखता, उसके बोर्ड छोड़ो से तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते, तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, बट अगर आपको बोर्ड्स में चाहिए अच्छी परसेंटेज, तो दिस इज वेरी गुड वे कि आप बोर्ड्स का पढ़ो, बट साथ में बीच में क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कर दो एक सब्जेक्ट में थोड़े नीट बेस्ड, तो दैट वुड बी अ वेरी गुड थिंग, वेरी गुड वे फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, सो थैंक यू और ऑल द बेस्ट जितने भी बोर्डीज हैं, एंड बहुत अच्छे से पढ़ चले जाएगा, ऐसे ही पढ़ते जाओ तो आपके आराम से 90 से ऊपर आ सकते हैं आराम से, बाय, और आप भी न्यूज़पेपर में फोटो लाना ठीक है, मुझे भेजना, बाय बाय, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो।